आज मैं बनाने वाली हूँ तहरी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। सबको पसंद आती है तहरी, तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने 4 हरी मिर्च ली, 1 कटोरी मटर ली है और 1 बड़ा साइज का आलू लिया है और 1 मीडियम साइज का प्याज, थोड़े से कटे हुए गोभी, 2 मीडियम साइज के टमाटर। हमने इतने सब्जी ली हैं जो हमारे घर में अवेलेबल है। आप चाहो तो इसमें बीन्स और शिमला मिर्च, गाजर वगैरह भी डाल सकते हो। इसमें मैं मसाले में इस्तेमाल कर रही हूँ धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, नमक। कुकर को गरम करेंगे, कुकर में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। यहाँ पे मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 चम्मच जीरा, जो कटी हुई मिर्च थी उसको डाल देंगे। प्याज मैंने जो काटा था उसको भी इसमें डाल देंगे और 2 मिनट तक यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे। अब देख लेंगे कि प्याज का कलर ब्राउन हो गया, प्याज भून चुका है। उसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सबसे पहले जो चीज़ें, नमक मिक्स कर लेंगे और नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। आप खड़ा मसाला गरम खाते हैं तो ज़रूर डालिए। मैं गरम मसाला पिसा हुआ इस्तेमाल की हूँ तो खड़ा मसाला नहीं डाल रही हूँ। और मैं इसमें जो सब्जियाँ हैं इसमें डाल दूँगी। 2-3 मिनट तक सब्जियों को भून लेंगे अच्छे से। चावल को मैंने पहले से ही धुल करके और 15 मिनट पहले भिगो दिया था चावल को। अब हम यहाँ पे सब्जी हमारी भुन चुकी है, इसमें जो चावल धुल करके पहले से ही रखे थे, ये देखिए चावल को मैं इसमें डाल देती हूँ। चावल को डालने के बाद 1 मिनट तक हम कम से कम भूनेंगे इसको, 1 या 1.5 मिनट तक भून लेंगे। इससे क्या होता है कि सारी सब्जियां, चावल वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। हम इस बाउल से 1 बाउल पानी और थोड़ा सा और पानी मैंने डाला है, पे आप देख सकते हैं। अब मैं लगा देती हूँ इसको सीटी, यानी कि सीटी लगेगी 2, 1 पूरा फुल फ्लेम पे सीटी लगेगी, 1 थोड़ा स्लो आँच पे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल हमारे, सॉरी तहरी हमारे पक चुके हैं। हम एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं, एंजॉय करते हैं। है ना अच्छा दिख रहा है, अच्छा तो खाने में भी बहुत टेस्टी था।